जी मैं गुलजुबैर डैन, मेरे साथ यू हमारे जेकेटीए के प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह जी। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं 1 जनवरी को, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/1/2010 में जम्मू कश्मीर में पुरानी पेंशन को रोका गया था और 1/1/2004 को पूरी इंडिया में पुरानी पेंशन को रोका गया था। आज हमने ये डिसाइड किया है कि आज तमाम हमारे जो एम्प्लॉयज, जो हमारे पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, वो आज यहाँ बैठे हैं, या आज बैठ के जो है प्रदर्शन होगा और कल पीसफुल जो है रैली की जाएगी प्रेस क्लब से, जो हम सरकार को ये दर्शाना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जिसको आपने 1/1/2010 को रोका है, ये कितनी जरूरी है। क्योंकि आप तो पुरानी पेंशन के सौगात ले रहे हैं, चाहे हमारे ऑनरेबल एमपीज हैं, एमएलए हैं या ऑनरेबल जजेस हैं, सब लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन एक छोटा तबका मुलाजमों का है जिसको इससे वंचित किया गया है। तो हमारी ये डिमांड है पुरानी पेंशन की, आज आपके माध्यम से एलजी मोदी से भी और हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, कि आप पुरानी पेंशन को बिना देरी के पूरे जम्मू कश्मीर में भी और पूरे इंडिया में भी इसको लागू करें। क्योंकि आज आप देखते हैं कि पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेटें हैं उनकी डिमांड, उन तमाम वहां के जो इम्प्लॉयज है 60 लाख कर्मियों की ये डिमांड बन चुकी है कि पुराना पेंशन हमें चाहिए ही चाहिए, अगर आप इसको खुद ले रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं एनपीएस एक प्राइवेट पेंशन स्कीम है जिसको हम नॉन पेंशन स्कीम कहते हैं। चूंकि हमारा इम्प्लॉयज का पैसा जो सरकार के खातों में होना चाहिए था, यह आज प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां इसको इस्तेमाल कर रही है और उसके उसमें जो हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है खालस 500-1000 रुपए उसको पेंशन के तौर पर जो है एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है। तो आज ये तमाम युवा, तमाम समाज का हर वर्ग जो है पुरानी पेंशन की डिमांड चाहता है, पुरानी पेंशन चाहता है। आज ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन फ्रंट के बैनर तले जो है इस डिमांड को जो है सरकार तक पहुंचाया जा रहा है और हम आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं, पुरानी पेंशन को बिना देरी के किए हुए इसको वागुजार करें। हमारे बहुत सारे कर्मी जम्मू कश्मीर में भी रिटायर हो रहे हैं जिनको मात्र 500 से लेकर 800, 1000, 1200 तक पेंशन मिल रही है। और सबसे बड़ी इस एनपीएस में जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपको इसमें जो भी इम्प्लॉयज की किसी की डेथ होती है उसको ग्रेजुएटी नहीं मिलती, उसके घर में जो फैमिली पेंशन है वो नहीं मिलता। फैमिली पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें हर तरह के सौगात दिए गए हैं जिसको हमारे सरकार में बैठे हुए एमपीज और ऑनरेबल एमएलएज ने जो है खुद के लिए रखा। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को बिना किसी देरी के जो है सरकारी कर्मियों को दिया जाए। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त 1.5 लाख के करीब कर्मी है जो बहुत कम तादाद है इस वक्त। मैं चाहता हूँ कि ऑनरेबल एलजी साहब जो इस वक्त है वो इस जो पुरानी पेंशन की डिमांड की जा रही है इसको बहुत ही जल्दी से वो कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर इसका कोई भी बोझ नहीं है। धन्यवाद जी सर। क्या कहते हैं? देखिए सर, आज 1 जनवरी 2023 है और मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि मैं आपको नए साल की मुबारकबाद नहीं दे सकता। वो क्यों नहीं दे सकता कि अगर हम खुद सड़कों के ऊपर हैं, अपने राइट के लिए, जस्टिस के लिए हमें हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है। सिस्टम का वो हिस्सा जो सिस्टम के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करता है, आज साल के पहले दिन वो रोडों के ऊपर है तो जरूर कोई तकाजा रहा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा से कहना चाहता हूं कि जल्द अज जल्द एनपीएस को स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए ताकि ये मुद्दा ना बने,
तो अगर हम एजिटेशन के ऊपर आ गए, अभी फिलहाल हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम 1 जनवरी 2023 को एज ब्लैक डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 1 जनवरी 2010 को ये एनपीएस का कानून लागू हुआ। अगर ये कानून इतना ही बेहतर है, अगर ये कानून इतना ही अच्छा है, तो ये एमएलए जो एक बार इलेक्शन लड़ता है वो ता उम्र डेथ होने तक उसकी वो पेंशन लेता है। तो अगर इतना अच्छा है तो उसको भी एनपीएस में डालो। तो अगर नहीं है तो फिर उस सिस्टम को, जो सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करता है, उसको ये क्यों इसके ऊपर थोपा गया जबरदस्ती। लिहाजा आपके माध्यम से हम एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं गवर्नर इंतजामिया से कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए। हम अभी पीसफुल प्रोटेस्ट से बैठे हुए हैं। अगर ये एजिटेशन के ऊपर आ गए तो एम्प्लॉयज जब एजिटेशन के ऊपर आ जाएगा तो फिर सिस्टम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि एनपीएस को स्क्रैप किया जाए और ओपीएस को रिस्टोर किया जाए। We want justice.